250 जा चुकी है, 270। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग, आई होप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ कावासाकी ZX10R, जो कि काफ़ी तगड़ी सुपर बाइक है और प्रोसेस बहुत सिंपल है और एड ऑन प्रोसेस है। पहले जो भी चैनल पर नया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना। चलते अपने वीडियो की तरफ। तो जो फर्स्ट स्टेप होगा हमारा, उसमें हमें जो फाइल है कावासाकी ZX10R की जो जिप फाइल है, इसको आप नीचे लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ से इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेना होगा विनरार के थ्रू। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको ये एक फ़ाइल मिलेगी। इसमें ये जो ZX10R है, इसमें हमारी DLC फाइल है, जिसको हमें अपने GT5 की मेन डायरेक्टरी में ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा। तो मैं GT5 की मेन डायरेक्टरी ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आपको जाना होगा मॉड्स के फोल्डर में, देन अपडेट X64 DLC पैक्स। यहाँ पे आने के बाद ये जो ZX10R वाली फाइल है, इसको आपको सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। मैंने ऑलरेडी कर रखा है ये, इसलिए ऐसे बोल रहा है। तो मैं इसको दोबारा से रिप्लेस कर देता हूँ। तो ये हमारी हो चुकी है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, उसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी OpenIV की। तो मैं OpenIV को ओपन कर लेता हूँ। तो हमारा OpenIV ओपन हो चुका है। उसके बाद हमें जाना होगा यहाँ पे एडिट मोड में। मैंने ऑलरेडी बताया, हम कुछ भी काम करते हैं OpenIV के अंदर, तो हम उसको एडिट मोड के अंदर ही करते हैं। फिर हमें जाना होगा मॉड्स के फोल्डर में, देन अपडेट update.rpf कॉमन डाटा। देन जब आप नीचे ड्रैग करोगे तो यहाँ पे आपको फाइल मिलेगी dlclist.xml। इस पर राइट क्लिक करके आपको एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद कुछ ऐसा खुल के आएगा आपके सामने। तो ये जो फाइल है, जो हमने ZX10R की फाइल डाउनलोड करी थी, इसमें हमें ये जो चीज़ मिली हुई है, इसको ओपन करके आपको ये जो इतना पार्ट है आइटम वाला, इसको करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद इस वाले में लाके इसको सबसे लास्ट में पेस्ट कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। बस इट्स मॉड के अंदर इतना ही करना था हमें, और कुछ नहीं करना था। तो चलो मैं आप गेम में लेके चलता हूँ आपको, वहाँ पे दिखाता हूँ कि हमारी बाइक को कैसे स्पॉन करना और वो कैसी लग रही है। तो भाई, हम अपने गेम में आ चुके हैं और ZX10R को स्पॉन करने के लिए मैं यूज़ करूँगा एड ऑन स्पॉनर का। तो मैं F5 प्रेस करूँगा, उसके बाद मैं सर्च व्हीकल्स में जाऊँगा और यहाँ पे ZX10R पे मैं एंटर कर दूंगा, तो ये बाइक आ जाएगी। इसको हम चाहें तो थोड़ा बहुत कस्टम मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं F8 प्रेस करके मेन्यू कस्टम को ओपन करूंगा, देन मैं जाऊंगा व्हीकल ऑप्शन में, देन मेन्यू कस्टम में। यहाँ पे अगर मैं जाऊंगा एक्स्ट्रास में, तो मुझे दो ऑप्शन मिलते हैं। एक तो ये ऑप्शन मिलता है कि जो आगे का ये जो शीशे लगे हुए हैं, शीशे हट जाएंगे, और एक ये पीछे का जो ये इसका वो लगा हुआ है मटकार, ये मटफ्लैप हट जाएगा। तो ऐसे ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो चलो इसकी हम ज़रा टॉप स्पीड चेक कर लेते हैं। मीटर यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन है। अब ज़रा इसकी टॉप स्पीड देखते हैं। ओ भाई साहब, जस्ट 3 सेकेंड में 100। भाई 250 जा चुकी है, 270। नहीं, ओ भाई, क्या ही एक्सीडेंट हुआ है, तो पूरी आग लग गई। भाई साहब, हमारी ZX10R को देखो क्या हाल हो गया। तो खैर छोड़ो, तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर आए हो पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं एक और ऐसे वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय गाइज़।